बूंदी जिले के बाबा खाटू श्याम मंदिर देई में मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का झांकियों के साथ सुंदर मंचन होने पर उपस्थित श्रद्धालु झूम उठे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका जया किशोरी ने दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाएगी, हट पकड़े चंदा लादे, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो जैसे भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारों के साथ नृत्य किया। कथावाचन में बताया कि नंदोत्सव पर नंद बाबा ने 2,00,000 गाय दान में दी। इस संसार में संतान के प्रति ममता व प्यार देने के मामले में वे सर्वप्रथम हैं। भगवान द्वारा इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गोवर्धन पर्वत को उठाने की महिमा को बताते हुए 56 भोग की झांकी सजाई गई। अलग अलग मनमोहक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। जय किशोरी ने कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को बताया कि माता के बाद गाय का दूध ही गुणकारी होता है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि गौमूत्र भी अत्यंत लाभदायक है। आज गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए दवाइयां बनाई जा रही हैं। भगवान को गायों से बहुत प्रेम था, इसलिए भगवान को पाने के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हमें कचरा खाने से रोकना होगा, जिससे असमय होने वाली गायों की मौत को रोका जा सके। कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।